नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं वसई विरार नाला सुपारा की 10 बड़ी खबरें। इस वक्त अगली बड़ी खबर है वसई से। वसई में अधेड़ प्रेमी ने की महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। 2 साल से था दोनों के बीच प्रेम संबंध, शादी की बात को लेकर हुआ था विवाद। अगली बड़ी खबर वसई से। वसई के प्रसिद्ध तुंगारेश्वर मंदिर के जंगलों में पेड़ से लटकती मिली लाश, अज्ञात शख्स का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। अगली बड़ी खबर विरार के अरनाला से। विरार में अरनाला किला समुद्र में डूबने से पद्मा सोनिया नामक व्यक्ति की मौत। तो अगली बड़ी खबर है मीरा भाईंदर से। मीरा भाईंदर के काशी मीरा में मंत्रा ऑर्केस्ट्रा बार में छापेमारी, 16 लोगों पर मामला दर्ज किया, अश्लील गीतों पर बार बालाएं कर रही थी नृत्य। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पत्नी की मौत, पति जख्मी। वसई विरार के नायगांव में रूम देने के नाम पर लाखों की ठगी, 4 लोगों पर मामला दर्ज। अगली बड़ी खबर है वसई से। वसई से 11 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाला सुपारा में बाइक सवार लुटेरों ने मॉर्निंग वॉक पर गई महिला के गले से छीनी चैन, हजारों का नुकसान। नाला सुपारा से अगली बड़ी खबर चौंकाने वाली खबर। नाला सुपारा में मां बेटी से दुष्कर्म, आरोपी फरार। वसई विरार के नायगांव से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की खबर है, उसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही बड़ी खबरों में वसई पूर्व के अग्रवाल पर नाका पर दुर्घटना में रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नाला सुपारा के समेलपाड़ा में वीणा अपार्टमेंट में रहने वाले नीलेश नामक रिक्शा चालक की मौत हुई है। मामले में पुलिस ने बताया कि नीलेश ऑटो रिक्शा लेकर जा रहे थे, इस बीच किसी वाहन ने जोरदार टक्कर दे दी, जिसके बाद उनकी जगह पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस मामले में जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर वसई विरार के विरार से है, जिसमें रूम लेने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। इस जालसाजी में 1,00,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस से की है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत नायगांव स्थित साई एनक्लेव बिल्डिंग में रहने वाली 21 वर्षीय युवती रश्मि जाधव ने आत्महत्या कर ली। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वाली पुलिस ने दुर्घटनावश हुई मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत विरार से एक दुस्साहसिक घटना प्रकाश में आई है। विरार में चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काट कर लाखों रुपए उड़ा दिए हैं। विरार के फूलपाड़ा इलाके में बुधवार को ये घटना घटी है, जिसमें एसबीआई बैंक के एक एटीएम को गैस कटर से काट कर उसमें से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की कई टीमें अपराधियों की तलाश में जुट गई हैं। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि बैंक वालों के आने के बाद ही दरअसल उसमें कितना कैश था ये पता चल पाएगा, एटीएम में कितनी राशि थी जो अभी गायब है। आपको बता दें इसी तरह की एक वारदात 15 फरवरी की सुबह चोरों ने वसई के सातीवली में अंजाम दिया था, जिसमें एक एटीएम को तोड़कर वो टोटल 20 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे। हालांकि इस मामले में गुत्थी क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली थी। ये जो आज की घटना है विरार में, सेम उसी पैटर्न पे चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें से लाखों रुपए उड़ाए हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी रकम जो है वो कितनी थी इस बात की तस्दीक अभी नहीं हो पाई है। विरार के फूलपाड़ा इलाके में एसबीआई बैंक का एटीएम था, जहां पे ये अंजाम दिया गया है।